गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज बहुत दिलचस्प टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लाउड नेट गेटवे। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुझसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि नेट गेटवे के बारे में बताएं। मैं ये चाहता हूं कि इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपकी वो बुनियाद मजबूत कर दूं, ताकि जितने भी नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं वो भी ये समझ पाए कि भाई ये नेट गेटवे आखिर हमें इस्तेमाल क्यों करना है। दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि ये मेरा 29वां लेक्चर है, इससे पहले 28 लेक्चर आ चुके हैं, जो आपने प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में देखने हैं। आप सीक्वेंस में देखते हुए चलें, तभी सारी चीजें आपको जो है वन बाय वन ढंग से समझ आएंगी। तो आपने आज इस क्लाउड नेटवे को डिस्कस करना है। तो क्लाउड नेटवे, नेट गेटवे बेसिकली क्या है, इसको समझने के लिए जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, या किन हालातों में, किस सिचुएशन में हम ये चाहते हैं कि क्लाउड नेट गेटवे का इस्तेमाल किया जाए। अब आप इसको देखें जरा, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसा सिनेरियो है जहां पे मेरा सर्वर तो इंटरनेट पे एक्सेस कर सके, इंटरनेट पे जा सके, लेकिन इंटरनेट से कोई बंदा मेरे सर्वर तक ना आ सके। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हैकर जो होता है ना, आपका जो आपका हैकर होता है, ये हैकर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हैकर, मिस्टर हैकर। ये जो हैकर है, हैकर हमेशा हैक करने के लिए उसको इंटरनेट चाहिए होता है। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो ही हैकर आपको हैक कर पाएगा, क्योंकि वो आप तक पहुंचने के लिए इंटरनेट का ही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आपकी मशीन इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अगर इंटरनेट तक जाने के लिए इंटरनेट का मैं इस्तेमाल ही ना करूं, मैं अपनी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए कोई ऐसा रास्ता बना दूं कि मैं तो जा सकूं वो ना आ सके, तो ऐसा कुछ कैसे किया जा सकता है? क्योंकि हैकर, अगर मेरे यहां ये मेरा एक क्लाउड नेटवर्क है, इसको आप और आसान भाषा में समझें कि ये मेरा जीसीपी क्लाउड है, और इस जीसीपी क्लाउड के अंदर एक वीपीसी नेटवर्क के अंदर मेरी एक वीएम चल रही है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक वर्चुअल मशीन चल रही है, और ये वर्चुअल मशीन इंटरनेट पे जाना चाहती है, इसको कोई सॉफ्टवेयर एक्सेस करना है, इसको कोई अपडेट करना है, कोई पैचिंग करनी है, कोई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का काम करना है, तो इसको इंटरनेट एक्सेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस वीएम को मैं इंटरनेट से कनेक्ट करा दूं, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि इसी इंटरनेट के थ्रू ये हैकर भी कनेक्ट होकर आपकी वीएम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप ये नहीं चाहते, आप ये तो चाहते हो कि मेरी वीएम इंटरनेट पे जा सके, पर साथ साथ आप ये भी चाहते हो कि इंटरनेट से कोई मुझ पर ना आ पाए, ये सॉल्यूशन आप चाहते हो। तो सॉल्यूशन आपके दिमाग में क्या आता है? आप कहेंगे यार यहाँ पे ना वीपीएन लगा देते हैं, यहाँ पे वीपीएन सर्वर लगा देते हैं। वीपीएन सर्वर लगाने से या वीपीएन कनेक्शन लगाने से क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा, एक टनल बन जाएगी, सिक्योर कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन तब भी आप पब्लिक आईपी का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, यानी कि इनबाउंड ट्रैफिक रहेगा। इनबाउंड किसे कह रहे हैं? जो अंदर की तरफ आ रहा है, यानी अंदर तो बंदा अब भी आ सकता है वीपीएन के थ्रू, यानी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो हमने कहा यार वीपीएन की जगह एक काम करते हैं, बैशन होस्ट लगा देते हैं। बैशन होस्ट एक सर्विस है हमारी, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम प्राइवेटली, यहां पर मैं इसको हैकर ना बना के मैं कहता हूं ये मेरा एक यूजर है और ये यूजर मेरे मशीन को एक्सेस करना चाहता है प्राइवेटली, सिक्योरली, तो ये कर सकता है। बैशन होस्ट के थ्रू ये इसको एक्सेस कर सकता है, एसएसएच कर सकता है। जो यूजर ऑथेंटिक यूजर है, सिर्फ वही बैशन होस्ट के थ्रू एक्सेस कर पाएगा, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व होती नजर आ रही है। लेकिन क्या होगा अगर ये एक मल्टी टीयर आर्किटेक्चर हो? मल्टी टीयर आर्किटेक्चर का मतलब है कि यहां पर मल्टीपल वीएम बनी हुई है। एक वीएम पे मेरा वेब सर्वर चल रहा है, एक पे मेरा एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है, एक पे मेरा डेटाबेस सर्वर चल रहा है। अगर कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर है तो इन सारे को करने के लिए फिर कैसे किया जाए, फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? क्योंकि वन टू वन तो चलो बैशन होस्ट के थ्रू हो जाएगा और उसमें भी एक कुछ हद तक प्रॉब्लम रहेगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा इनबाउंड ट्रैफिक जो है वो अलाउ किया जाए या कोई मेरे सर्वर तक आ सके, ये चीज मैं नहीं चाहता। मैं इनबाउंड नहीं चाहता, इनबाउंड का मतलब है जो ट्रैफिक अंदर आ रहा है, इसको गूगल क्लाउड में इनग्रेस ट्रैफिक कहते हैं, इनग्रेस। तो मैं नहीं चाहता कि इनग्रेस ट्रैफिक अलाउ किया जाए, पर साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे सर्वर खुद को अपडेट करने के लिए अगर उनको इंटरनेट की जरूरत है, उनको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, कोई पैचिंग करनी है, कोई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का काम करना है, तो वो इंटरनेट पे जा सके, ये भी मैं चाहता हूं। और मैं ये भी चाहता हूं साथ साथ कि कोई मेरे सर्वर तक ना आ सके, कोई मेरे सर्वर तक ना आ सके, मेरे सर्वर प्राइवेटली सिक्योरली कम्युनिकेट कर पाए।
ऐसे केस में दोस्तों हमें जरूरत पड़ती है नेट गेटवे की। जी हाँ, यही हमारा क्लाउड नेट गेटवे काम आता है। जो क्या करता है, जो आपकी इन VMs को, जितनी भी ये VM है, ये सारी VM क्लाउड नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट पे जा सकती हैं। यहां पे मैं इंटरनेट बना देता हूं, क्लाउड नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट पे जा सकती हैं, बट इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक अंदर नहीं आ सकता। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो क्लाउड नेट गेटवे एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराता है आपके VPC को कि भैया इस VPC के अंदर जितनी भी आपकी वो चल रही हैं, आपकी सर्विसेज या सर्वर चल रहे हैं, आपके क्लस्टर कोई GKE का बना हुआ है, कोई आपकी ऐप सर्विस बनी हुई है, कुछ भी आपका चल रहा है, तो आप उसको सिक्योरली प्राइवेटली इंटरनेट पे लेके जा सकते हैं। और इंटरनेट से अंदर आने वाला ट्रैफिक मैंने प्योरली ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बाहर से कोई भी हैकर, कोई अटैकर अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। तो क्लाउड नेट गेटवे एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराता है। अब दोस्तों यहां पर टर्म आती है नेट, क्योंकि ये नेट गेटवे AWS में भी इसी नाम से जाना जाता है, Azure में भी इसी नाम से जाना जाता है, और यहां पर भी क्लाउड नेट गेटवे का नाम इन्होंने दिया है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये नेट क्या चीज होती है, इसको हम देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक और बुनियादी बात आपको बता दूं कि गूगल क्लाउड यानी कि GCP जो है वो इस पूरे काम को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, जिसको कहा जाता है एंड्रोमेडा। ये भी मैं एक बार बता दूं, एंड्रोमेडा एक उनकी अपनी एक तकनीक है, गूगल आप कह सकते हैं, गूगल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन आप इसको कह सकते हैं, गूगल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन स्टैक। ये उनका अपना एक वर्चुअलाइजेशन का तरीका है नेटवर्क को वर्चुअलाइज करने का, जिसमें वो कहते हैं कि भाई अगर आपकी मल्टी टीयर एप्लीकेशन चल रही है तो भी आपको यहां पे प्रॉक्सी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हम हर VM को या हर सर्विस को अलग पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट कराएंगे, जिससे कि नेट गेटवे पर कंजेशन नहीं होगा। एक साथ सारी जो सर्विसेज हैं, जितने सर्वर हैं, वो सीमलेसली ट्रैवल कर सकते हैं ऑन डिफरेंट पोर्ट्स एंड नेट IP। तो ये एक बहुत अच्छा इनका कॉन्सेप्ट है जिसको ये लेकर आए हैं, जिसको ये एंड्रोमेडा कहते हैं, गूगल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन स्टैक इसको कहा जाता है। तो इसकी एक बात है। तो मैं शुरू करता हूं नेट से कि आखिर ये नेट क्या है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया हमने, क्लाउड नेटवे क्यों करना है, क्लाउड नेटवे नेट गेटवे का इस्तेमाल या इस लैब को हम कर ये देखना चाहते हैं कि मेरी मशीनें कैसे इंटरनेट को एक्सेस कर सकती हैं। तो मैं आपको लैब में क्या करके दिखाऊंगा, मैं बेसिकली आपको ये जो VM है, मैं इन VM को सिर्फ प्राइवेट IP दूंगा, पब्लिक IP नहीं दूंगा। याद रखिएगा, क्लाउड नेट गेटवे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी आपको अपने VMs को या सर्विसेज को पब्लिक IP नहीं देना है, आप प्राइवेट IP सिर्फ उनको देंगे। और प्राइवेट IP होने के बावजूद मेरी VM इंटरनेट को कम्युनिकेट कर पाएगी, गूगल कर पाएगी, मैं कुछ भी करूंगा इंटरनेट पे वो हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्राइवेट IP है वो कन्वर्ट हो जाएगी नेट गेटवे पे आके पब्लिक में, पब्लिक के थ्रू वो यहां जाएगी, इंटरनेट से रिक्वेस्ट जो भी मैंने सर्च किया है उसका आंसर मेरे पास नेट गेटवे पे आएगा, और नेट गेटवे उसका रिप्लाई मेरी VM को देगा, यानी VM को वो सारी चीजें इंटरनेट से दिख रही होंगी। ये कुछ ऐसा है, आप इसको एग्जांपल में ऐसे समझें कि मैं अपने घर के अंदर बैठा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे ये पता चल जाए कि बाहर से जब कोई बंदा निकल के जाने वाला है तो यार मुझे खबर कर देना। तो मैं अपने दोस्त को कहता हूं कि तुम खिड़की पे नजर बना के रखो, और जैसे ही वो बंदा निकल के जाए मुझे इशारा कर देना। तो मैं अंदर सिक्योर बैठा हूं, सेफ बैठा हूं, मैं नहीं दिखूंगा, फेस किसी और का होगा, वो वहां से कम्युनिकेट करेगा और अंदर मुझे मैसेज देगा। बाहर वाले ने उसको जो भी मैसेज दिया वो मैसेज मेरे को अंदर ला के देगा, फिर मैं जो रिप्लाई दूंगा वो खिड़की जाके उसको जवाब देगा। तो कुछ इस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है कि मैं सिक्योर बैठा हूं, अंदर बैठा हूं, मैं पब्लिकली बाहर भी नहीं जा रहा, लेकिन मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है। दैट इज नोन एज नेट गेटवे, जहां आप छिपे हुए रहते हैं, आपकी मशीनें छिपी हुई रहती हैं, बट वो इंटरनेट को एक्सेस कर रही होती हैं फिर भी, और उन तक कोई नहीं आ सकता क्योंकि उन तक आने का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है इस क्लाउड नेट गेटवे ने। ये अंदर ही नहीं आने देगा किसी को, ये बाहर तो जाने देगा, अंदर नहीं आने देगा। तो इनबाउंड ट्रैफिक ब्लॉक होता है नेट गेटवे में और आउटबाउंड ट्रैफिक अलाउ होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब मैं जरा नेट गेटवे समझा के आपको इस पूरा सिनेरियो समझाता हूं कि आज की लैब में हम करने क्या वाले हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी बुनियादी टॉपिक है, पॉइंट्स है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सके इंटरव्यू में, अगर इससे कुछ भी चीज इससे जुड़ी हुई आए तो आप इसका जवाब दे पाए।
अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज अ मेथड ऑफ रीमैपिंग वन आईपी एड्रेस स्पेस इनटू अनदर बाय मॉडिफाइंग नेटवर्क एड्रेस इंफॉर्मेशन इन द आईपी हेडर ऑफ पैकेट। यूजुअली दिस इज डन इन अ नेट डिवाइस। ये कहते हैं कि एक नेट डिवाइस या एक राउटर हो सकता है जिसमें हम एक आईपी एड्रेस को छिपा के उसके ऊपर एक दूसरा आईपी एड्रेस लगा के आगे भेजते हैं। बेसिकली हम करते ये हैं, आप ऐसा समझ के चले कि ये मेरी एक वर्चुअल मशीन है, इसके पास एक प्राइवेट आईपी है 10.0.1.1, तो ये प्राइवेट आईपी जब आगे ये वीएम आगे नेट पे जाएगी नेट डिवाइस के पास, तो नेट डिवाइस क्या करेगा, इस आईपी को मैप कर देगा, इसको अंदर छुपा देगा 10.0.1.1 और इसके ऊपर एक दूसरा लिफाफा लगा देगा या एनवलप लगा देगा और उसके ऊपर अपनी पब्लिक आईपी डाल देगा, सपोज करें 201.1.1.1, और इसके थ्रू कम्युनिकेट कराएगा इंटरनेट से। जब इंटरनेट से जो भी रिप्लाई आएगा वो देखेगा कि अच्छा भाई रिप्लाई आ गया, इस वाले आईपी के लिए रिप्लाई आया, तो वो अगेन इस पब्लिक आईपी को कन्वर्ट करेगा इस वाले प्राइवेट आईपी में और उस वाले आईपी वाले मशीन को रिप्लाई कर देगा। तो ये बेसिकली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, जहां एक डिवाइस जो है वो आपकी प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कन्वर्ट करके आगे भेजती है और वहां से जो भी रिप्लाई आता है उसको अगेन उसका उल्टा करती है, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करके उस मशीन पे भेजती है। लेकिन यहां पर जो एक प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रॉक्सी की, नेट प्रॉक्सी कंजेशन की, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम होगा वो प्रॉक्सी के थ्रू होगा, यानी अगर यहाँ पर दो मशीनें हैं तीन मशीनें हैं तो सारी की सारी नेट के पास जाएंगी और नेट उन सबको एनवलप लगाएगा, सबके ऊपर अपनी आईपी लगाएगा, आगे भेज देगा। अब जब बहुत सारी मशीनें हैं और सबका मैसेज एक ही जगह जा रहा है, नेट के पास जा रहा है और नेट उसको प्रॉक्सी करके आगे भेज रहा है, तो यहाँ कंजेशन हो जाता है, नेट के पास बहुत ज्यादा काम आ जाता है एकदम से जब सारी मशीनों को इंटरनेट एक्सेस करना हो। तो क्लाउड कहता है, गूगल क्लाउड कहता है कि इसके लिए हमने एक तकनीक बनाई है जिसको हमने नाम दिया है बेसिकली उसका कॉमन नेम होता है SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तो गूगल क्लाउड कहता है कि इसके लिए भैया हमने एक एंड्रोमेडा तकनीक का इस्तेमाल किया है, जो कि एंड्रोमेडा में हम क्या करते हैं कि जो नेटवर्क है उसको वर्चुअलाइज कर देते हैं और हम कहते हैं कि अब ये इस तरीके से प्रॉक्सी के थ्रू काम नहीं करेगा, बल्कि नेट के ऊपर जो है हम हर वीएम को क्या करेंगे, एक नेट आईपी प्रोवाइड कराएंगे और उसके साथ साथ एक पोर्ट नंबर उसको दे देंगे। पोर्ट नंबर सबका अलग अलग होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका 3000 पोर्ट नंबर है, इसका 3001 है, इसका 3002 है, हर वीएम का एक अलग पोर्ट नंबर होगा, तो वो अपने पोर्ट नंबर के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे इंटरनेट के साथ और उन्हें यहां पर कंजेशन नहीं होगा। तो इस तरह की एक तकनीक का उन्होंने इस्तेमाल किया है जिसे वो एंड्रोमेडा कहते हैं। इसी नेट तकनीक को आईपी मैस्कुरेडिंग भी कहते हैं, यानी कि छिपा के भेजना, तो ये भी काम होता है। तो नेट इज अ टेक्निक दैट हाइड्स एन एंटायर आईपी एड्रेस, तो आपके आईपी एड्रेस को हाइड करके छिपा के, यूजुअली द प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो इसको हम छिपाते हैं बिहाइंड अ सिंगल पब्लिक आईपी। तो वही मैंने आपको यहां बताया, प्राइवेट आईपी को छिपाकर पब्लिक आईपी उसके ऊपर लगाकर आगे भेज देते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे तो पब्लिक आईपी जा सकती है, प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे नहीं जा सकती, ये बात आप जानते हैं। द हिडन एड्रेस आर चेंज इनटू अ सिंगल पब्लिक आईपी एज द सोर्स ऑफ द आउटगोइंग आईपी पैकेट, सो दे अपीयर एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम राउटिंग डिवाइस एंड नॉट फ्रॉम द हिडन कॉस्ट। तो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है इंटरनेट पे कोई भी बंदा होता है उसको ये फील होता है कि अच्छा इसका मतलब ये जो भी मशीन है ना उसकी आईपी ये है, पर असल में ये आईपी तो मशीन की नहीं थी, ये तो राउटर की आईपी थी, तो असल में आप वीएम तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये एक अच्छा तरीका है वैसे आपके नेटवर्क्स को सेफ रखने का, ये एक अच्छा तरीका है। अब ये कहते हैं कि भाई हमने क्लाउड नेट गेटवे में क्या किया, क्लाउड नेट अलाउज आउटबाउंड ट्रैफिक बट रिस्ट्रिक्ट इनबाउंड ट्रैफिक, अंदर तो किसी को नहीं आने देगा, हाँ मेरी मशीनें बाहर इंटरनेट पे जा सकती हैं कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, वो इंटरनेट पे जा सकती हैं, तो इनबाउंड तो ब्लॉक है, अंदर आने वाला वीएम के अंदर आने वाला, लेकिन वीएम से बाहर जाने वाला ट्रैफिक अलाउ किया जाता है क्लाउड नेट गेटवे के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बार बार बता रहा हूं, क्लाउड नेट अलाउज योर रिसोर्सेज टू क्रिएट आउटबाउंड कनेक्शन टू द इंटरनेट विदाउट गिविंग पब्लिक आईपी टू देम। तो ये क्या कहता है, ये कहता है वीएम को पब्लिक आईपी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्लाउड नेट वो काम करेगा और आपकी वीएम को इंटरनेट एक्सेस करवा देगा, वो जिम्मेदारी उसकी है। यू कैन हैव मल्टीपल क्लाउड नेट गेटवे इन द सेम रीजन, एक रीजन में एक से ज्यादा क्लाउड नेट गेटवे हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन क्या है,
Each gateway is configured for a different subnet. यानी एक subnet पे दो cloud net gateway आप नहीं लगा सकते, अगर मैं आसान भाषा में कहूं। अगर आपके VPC पे multiple subnet है तो हर subnet के लिए एक अलग-अलग net gateway आप deploy कर सकते हो अगर आप चाहते हो। That is possible, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक चीज और मैं बता दूं, Google Cloud का जो net gateway है ये थोड़ा सा अलग है AWS Cloud Net Gateway से। AWS Cloud Net Gateway अगर जिन लोगों ने पढ़ा है मेरे से, मेरे YouTube पर जो मेरे वीडियो पड़े हैं, तो उन्हें पता होगा वहां पर हम जो नेट गेटवे लगाते हैं वो पब्लिक सबनेट में लगाते हैं, वो मैंडेटरी है वहां पे लगाना। लेकिन गूगल क्लाउड में ऐसी कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि यहां पे सबनेट पब्लिक प्राइवेट आप नाम दे सकते हो, बट बैक एंड पे वो दोनों ही सेम सिमिलर काइंड ऑफ होते हैं। वहां पे आप राउटिंग नहीं करते हो, वो बाय डिफॉल्ट होती है कि वो नेट गेटवे से, इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट है। तो यहां पर आप क्लाउड राउटर, क्लाउड नेट गेटवे कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी सबनेट पे लगा सकते हो, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज मैंडेटरी है यहां पे कि आपकी वीएम के पास पब्लिक आईपी नहीं होनी चाहिए। ये चीज मैंडेटरी है अगर आप क्लाउड नेट गेटवे का इस्तेमाल करना चाहते हैं वीएम के साथ, तो ये चीज जरूरी है कि आपके वीएम के पास पब्लिक आईपी ना हो। अब मैं कुछ और पॉइंट्स यहां पर लिखवा देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए, और फिर मैं वो सिनेरियो समझाऊंगा जो मैं लैब में करके दिखाने वाला हूं। अब जरा कुछ और बातें कर लेते हैं क्लाउड नेट गेटवे के बारे में कि क्लाउड नेट गेटवे प्रोवाइड आउटगोइंग कनेक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग रिसोर्सेज। कि क्लाउड नेट गेटवे के थ्रू आप किन किन को आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए अलाउ कर सकते हो या इंटरनेट पर जाने के लिए अलाउ कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला तो हमारा वर्चुअल मशीन यानी कि कंप्यूट इंजन, आप उनको इंटरनेट तक भेज सकते हो इसके थ्रू। क्लाउड नेट गेटवे के पीछे आप अपना जीकेई गूगल कुबरनेटिस इंजन क्लस्टर भी रख सकते हो, उनको भी आप क्लाउड नेटवर्क गेटवे के थ्रू एक्सेस करा सकते हो। क्लाउड रन को आप एक्सेस करा सकते हो, क्लाउड फंक्शन को आप एक्सेस करा सकते हो, और ऐप इंजन को भी आप एक्सेस करा सकते हो। यानी इन सब के साथ क्लाउड नेट गेटवे का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो वीएम का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। Cloud Net Gateway cannot apply to any custom route whose next hop is not the default net internet gateway. ये बहुत important बात है, या इसे लिख लीजिएगा कि Cloud Net Gateway तब तक काम नहीं करेगा जब से उससे आगे वाली जो चीज है वो internet gateway नहीं होगी। ये कुछ ऐसे समझे कि मैं घर के अंदर बैठा हूं और मेरा friend खिड़की पे अगर नहीं है तो फिर वो कैसे बाहर वाले को देख पाएगा और मुझसे भी बात कर पाएगा। तो जरूरी है कि वो खिड़की पे खड़ा हो, तभी वो दोनों लोगों से कनेक्ट कर सकता है, खिड़की पर होना जरूरी है। तो ऐसे ही यहां पर क्लाउड नेट गेटवे तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि उससे आगे वाली होप, होप का मतलब होता है उससे अगला पर्सन या उससे अगली डिवाइस जो है वो आपका इंटरनेट गेटवे ना हो। तो क्लाउड नेट गेटवे से आगे वाला जो डिवाइस होना चाहिए वो इंटरनेट गेटवे ही होना चाहिए, ताकि वो सीधा वहां जा सके और वहां से खबर ला सके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। Google Cloud Net is based on Andromeda, जो ऑलरेडी समझा चुका हूं, जो Google का खुद का एक वर्चुअलाइजेशन स्टैक है। There is no intermediate NAT proxies in the data path. कोई NAT proxy यहां पर इस्तेमाल नहीं होती है, Andromeda यही काम करता है। वो NAT proxies को हटा के ports और NAT IP के थ्रू कम्युनिकेशन कराता है। हर VM का अपना अलग पोर्ट होता है, उसके थ्रू वो कम्युनिकेट कराता है। तो ईच वीएम इज प्रोग्राम्ड बाय जीसीपी टू नेट यूजिंग असाइन पोर्ट्स। तो ये प्रोग्रामिंग कर देता है एंड्रोमेडा जो है कि भैया हर एक वीएम को अलग पोर्ट एलोकेट कर दो, और उस पोर्ट के थ्रू हमें पता चल जाएगा रिक्वेस्ट आ रही है तो यानी इस वीएम से आ रही है। ये कुछ ऐसा समझो कि पीछे 10 मशीनें लगी हुई हैं, हर मशीन को मैंने एक पोर्ट नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 8 नंबर वीएम से, अगर 8 नंबर पोर्ट से रिक्वेस्ट आ रही है नेट गेटवे के पास, तो वो समझ जाएगा कि 8वें नंबर की जो मशीन है ये रिक्वेस्ट वहां से आई है और इसका आंसर भी मुझे उसको करना है। तो आप पोर्ट मशीनों को पोर्ट दे देते हैं और उसके थ्रू काम करते हैं। तो यही सारा काम एंड्रोमेडा करता है बैकएंड पे। ये तकनीक है, टेक्निक है, इट्स अ टेक्निक नॉट अ डिवाइस। Each cloud NAT gateway is associated with a single VPC network. बहुत important बात है, NAT gateway सिर्फ एक single VPC network के साथ ही आप connect कर सकते हो, multiple के साथ नहीं कर सकते। Region and cloud router. तो NAT gateway एक single VPC के साथ connect होता है, एक ही region में होता है, दो में नहीं हो सकता, और एक ही cloud router उसके साथ जोड़ा जा सकता है, दो नहीं जोड़े जा सकते। Cannot use same cloud NAT in two or more regions. ये भी यहाँ पे लिख दिया। You cannot use cloud NAT for communication between VM. Cloud NAT का इस्तेमाल VM के आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए कभी नहीं किया जाता, हमेशा वीएम का इंटरनेट से कम्युनिकेशन करने के लिए करवाया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो यहां पर लिख दी है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं सजेस्ट यही करूंगा कि यार स्क्रीनशॉट की जगह लिखने पर फोकस किया करें, चाहे वीडियो को रोक रोक कर लिखना पड़े, क्योंकि हम जितना कंफर्ट जोन में आ जाएंगे ना कि भूपिंदर सर इसके नोट्स भी दे दें, या भूपिंदर सर जो है, अच्छा मेरे पास इसके कुछ नोट्स है भी नहीं, मेरे सब्सक्राइबर ही बनाकर जब भेजेंगे जो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं तो रिक्वेस्ट
करूंगा कि जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं, डिजिटल नोट्स बना रहे हैं वर्ड पे या जहां पर भी, यार हमारे साथ शेयर करें, हमारे साथ शेयर करें, मेरी मेल आईडी पे शेयर करें, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या लिंक्डइन पे अगर मेरे साथ कनेक्ट है वहां पर मेरे को शेयर कर दें कि सर मैंने ये फाइल बनाकर भेजी है। अभी बना लें पूरी, जब तक ये सिलेबस पूरा होगा पूरे एक अच्छे से ब्यूटीफुल नोट्स बना लें और फिर वो कम्युनिटी के साथ शेयर करें ताकि हम अपने लोगों के साथ कर सके। मेरे पास इसके कोई नोट्स नहीं होते हैं क्योंकि मैं जस्ट जहां जहां से इन्फॉर्मेशन मेरे को डॉक्यूमेंटेशन में मिलती है और कुछ जो मुझे पॉइंट्स याद होते हैं मैं सारे लिखकर वो बना देता हूं। तो मेरे पास ऐसा सच कोई, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पास खुद के कोई नोट्स हैं जिनसे मैं ये करता हूं, तो सच बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इधर उधर से जो मटेरियल है मेरा, डॉक्यूमेंटेशन है, वहां से निकालता हूं। जैसे कि ये सारे पॉइंट्स मैंने FAQ से निकाले हैं जो गूगल क्लाउड के हैं, तो काफी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद मैं ये बनाता हूं। तो मेरे पास ऐसा सच कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं है। तो अगर आप बना रहे हैं तो प्लीज शेयर हमारे साथ भी करिएगा ताकि हम सबके साथ कर सके। चलिए अच्छी बात है। तो यहां पर ये सब करने के बाद अब मैं आपको समझाता हूं कि लैब में क्या करने वाले हैं। तो लैब का यहां सिनेरियो समझाऊंगा, फिर आपको लैब पर लेकर चलूं। अब जरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आज के लैब में हम क्या करने वाले हैं। अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो इस सिनेरियो में आपको नजर आ रहा है कि मैंने अपने गूगल क्लाउड के अंदर एक VPC बना रखा है। उस VPC के अंदर मैंने दो सबनेट बनाए हैं बेसिकली, एक बनाया है पब्लिक सबनेट, एक बनाया है प्राइवेट सबनेट। दोनों को मैंने सेम ही रीजन में बनाया है। और एक चीज और याद रखिएगा, जिस रीजन में आपके सबनेट होते हैं उसी रीजन में आपको अपना नेट गेटवे बनाना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सबनेट तो बनाया US के अंदर और नेट गेटवे बनाया एशिया में। मेक श्योर कि रीजन सेम होने चाहिए। तो हमारे केस में जैसे कि हमने एशिया ईस्ट 1 के अंदर यानी कि ताइवान के अंदर ये सारा काम हम करेंगे, एशिया ईस्ट 1 जो कि ताइवान है, तो हम यहां पर एशिया ईस्ट 1 लेंगे अपने टेस्टिंग के लिए। आप कोई भी रीजन ले सकते हैं। तो एशिया ईस्ट 1 में ही आप ये मानिए कि मैंने दोनों सबनेट बनाने हैं और उसी के अंदर मुझे मेरा क्लाउड नेट और क्लाउड राउटर डिप्लॉय करना है। तो मैं अपने लैब में क्या करूंगा, मैं दो सबनेट बनाऊंगा, उनकी रेंज में ले लूंगा 10.0.1.0/24, दूसरे प्राइवेट सबनेट उसके नाम दूंगा दूसरे सबनेट को, और उसकी रेंज लूंगा 10.0.2.0/24। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट क्या ये AWS जैसा है जहां पे प्राइवेट सबनेट के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी? तो जी नहीं, यहां सिर्फ नाम मैंने पब्लिक और प्राइवेट लिया है। सबनेट यहां पर इस तरीके से वो AWS वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइएगा, तो नॉर्मल सबनेट है, बस नाम मैंने पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट लिया है। ठीक है, यहां पर मैंने एक पब्लिक VM बनाई है पब्लिक सबनेट के अंदर और प्राइवेट सबनेट के अंदर प्राइवेट VM बनाई है, लेकिन इन VM में फर्क है। VM मतलब वर्चुअल मशीन या मेरा इंस्टेंस। यहां पे फर्क यह है कि इस पब्लिक VM के पास पब्लिक IP अवेलेबल है, यानी कि एक्सटर्नल IP जिसे आप गूगल क्लाउड में कहते हैं वो इसको मिली हुई है। इसके पास पब्लिक IP है जिसके थ्रू ये डायरेक्ट इंटरनेट पे जा सकता है और इंटरनेट के थ्रू अपना जो भी काम करना है, इन्होंने जो भी सर्च करना है, डाउनलोड करना है, कर सकते हैं। ये मशीन कर सकती है क्योंकि इसके पास पब्लिक IP है, पर मेरी इस प्राइवेट VM के पास कोई पब्लिक IP नहीं है, ओनली प्राइवेट IP इसके पास है, सिर्फ प्राइवेट IP, और प्राइवेट IP के थ्रू इंटरनेट पे नहीं जाया जा सकता। ये आप जानते हैं, जो नहीं जानते वो याद रखें इस बात को कि प्राइवेट IP के थ्रू इंटरनेट पे नहीं जा सकते। तो अगर इस मशीन ने इंटरनेट पे जाना है तो कैसे जाएगी? ये तो इंटरनेट जाने का इसको रास्ता ही नहीं पता एक तरीके से, क्योंकि पब्लिक IP है ही नहीं इसके पास। तो अगर इसके पास पब्लिक IP नहीं है तो अब ये इंटरनेट पे कैसे जाएगा? बिल्कुल आपने सही बताया, सिनेरियो यहां पे आपको दिख रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पब्लिक IP बनाएंगे, एक रिजर्व पब्लिक IP लेंगे, एक रिजर्व एक्सटर्नल IP कह लो, पब्लिक IP कह लो, वो आपको लेनी है। आपको VPC नेटवर्क के अंदर IP एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप एक पब्लिक IP पहले रिजर्व कर ले। क्यों करनी है मैं बताऊंगा। उसके बाद आप जाएं क्लाउड राउटर पे, हाइब्रिड कनेक्टिविटी के अंदर आपको क्लाउड राउटर का ऑप्शन मिलेगा, एक क्लाउड राउटर बना ले। और वो क्लाउड राउटर कहां बनाना है, इस VPC के अंदर और किसी भी आप इस VPC के अंदर आप बनाएंगे। आपको रीजन और VPC सिलेक्ट करना होता है, सबनेट सिलेक्ट नहीं करना है, तो वहां पे होगा ही नहीं वो ऑप्शन। तो आप एक क्लाउड राउटर बना ले। क्लाउड राउटर क्यों बनाना है, क्योंकि क्लाउड राउटर वो बंदा है जिसे पूरा रास्ता पता है कहां से कहां जाना है, कहां से कहां आना है। तो क्लाउड राउटर आपको यहां मैन्युअली बनाना पड़ेगा, ये सारी राउटिंग इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा। क्लाउड राउटर बनाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लाउड नेट गेटवे। क्लाउड नेट वैसे इसको बोलते हैं गूगल में, पर नेट गेटवे कहो या क्लाउड नेट कहो एक ही बात है। तो यहां पर क्लाउड नेट गेटवे का आप इस्तेमाल करेंगे। क्लाउड नेट गेटवे लगाने के बाद आपने क्या करना है, बनाते टाइम आपको उसको पब्लिक IP देनी है, वो पब्लिक IP देनी है जो आपने बनाई थी। वो पब्लिक IP आप इस नेट गेटवे को देंगे। अब इसके पास एक पब्लिक IP आ गई, अब यानी ये उस पब्लिक IP के थ्रू इंटरनेट पे जा सकता है, लेकिन इसका काम खुद इंटरनेट पे जाना नहीं है बल्कि दूसरों को लेकर जाना है। तो इस सबनेट के अंदर जो प्राइवेट VM पड़ी है
वो जब हम कनेक्ट कर देंगे इस क्लाउड नेट गेटवे को इस वीपीसी के अंदर लगा देंगे, तो अब ये जो वीएम है जब इसने इंटरनेट पे जाना है तो ये रिक्वेस्ट करेगा क्लाउड नेट को जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, और यहां से ये क्लाउड नेट रिक्वेस्ट करेगा राउटर को कि भाई इंटरनेट पे जाने का रास्ता क्या है, तो राउटर कहेगा ये रहा, तो वो इंटरनेट गेटवे पे लेके जाएगा, यहां से ये इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट से रिस्पांस यहां इंटरनेट गेटवे पे आएगा, क्लाउड राउटर पे आएगा, गेटवे पे आएगा, और नेट गेटवे पोर्ट नंबर देखकर उस वीएम को रिस्पांस कर देगा जिस वीएम से वो रिक्वेस्ट आई है। तो यानी अब मेरी प्राइवेट वीएम इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगी, ठीक है, ये एक तरीका है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, मेरे केस में अगर फॉर एग्जांपल मुझे अब इस वीएम को एक्सेस करना है, क्योंकि मैं ये तो मुझे समझ आ गया कि मेरी वीएम इंटरनेट पे जा सकती है, प्राइवेट वीएम इंटरनेट पे जा रही है, लेकिन कोई यूजर यहां पे है और इस यूजर ने ये प्राइवेट वीएम एक्सेस करनी है, तो प्राइवेट वीएम वो एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि क्लाउड नेट गेटवे के थ्रू आउटबाउंड ट्रैफिक अलाउ होता है, इनबाउंड ब्लॉक होता है, तो अब वो अंदर कैसे आएगा, तो अंदर ये यूजर डायरेक्ट नहीं आ सकता, इसको पता है यूजर को कि भाई पहले मैंने जाना पड़ेगा पब्लिक वीएम में, मैं पब्लिक वीएम के अंदर जाऊंगा, पब्लिक वीएम का आरडीपी लूंगा, क्योंकि इसका मैं आरडीपी ले सकता हूं, इसके पास पब्लिक आईपी है, तो मेरा यूजर जो है जो भी कहीं बाहर बैठा है वो इसका पब्लिक आईपी के थ्रू इसका आरडीपी लेगा। इस वीएम का आरडीपी लेने के बाद इस वीएम के अंदर से, क्योंकि ये वीएम और ये वीएम दोनों एक ही वीपीसी के अंदर है, क्लाउड के अंदर है, तो ये वीएम इस वीएम को प्राइवेटली एक्सेस कर सकती है, ऑलवेज रिमेंबर ये वीएम इस वीएम को प्राइवेटली एक्सेस कर सकती है। तो अगर आपने इस वीएम का आरडीपी लेना है तो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, आप पहले दूसरी वीएम में जाओ जो कि एक पब्लिक वीएम है, उस पब्लिक वीएम के अंदर जाके आप दोबारा आरडीपी करो और उस आरडीपी में इस प्राइवेट आईपी की वीएम का प्राइवेट वीएम का आईपी एड्रेस डालिए, यानी कि इसका प्राइवेट आईपी, इसका प्राइवेट आईपी वहां उसके आरडीपी में डालिए, डालने के बाद जो भी यूजर नेम है वो डालिए, डालने के बाद एक पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा, पासवर्ड मैं पहले आपको लैब में करके दिखाऊंगा पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं, ऑप्शन होता है सेट पासवर्ड, सेट विंडोज पासवर्ड अगर विंडो का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो पासवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा और आप इस वीएम से इस वीएम का एक्सेस ले पाएंगे, यानी पहले इसके अंदर जाना है फिर पब्लिक वीएम से इसके अंदर जाना है, क्योंकि ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों मशीनें सेम क्लाउड में है, सेम वीपीसी के अंदर है, तो उसके अंदर जाया जा सकता है प्राइवेटली। आप ये चीज कर चुके हो कि भाई एक वीपीसी के अंदर दो वीएम आपस में पिंग कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, तो ऑफ कोर्स वो उसके अंदर भी जा सकती है, उसका आरडीपी भी ले सकती है, उनको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो प्राइवेटली कर सकते हैं विद इन अ सेम वीनेट और सेम वीपीसी एंड सबनेट, तो यानी कि यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपने इस प्राइवेट वीएम का आरडीपी लेना है तो आप डायरेक्ट नहीं लेंगे, आप पब्लिक वीएम के थ्रू लेंगे, ये भी एक बात आपने याद रखी। तो ये सारी चीजें अब मैं आपको लैब में करके दिखाता हूं, इस सिनेरियो को थोड़ा दिमाग में बिठा लीजिए। लैब में सबसे पहले हमने वीपीसी बनाना है, फिर दो सबनेट बनाने हैं, दो सबनेट बना के दोनों के अंदर एक एक वीएम बनानी है, लेकिन इसको पब्लिक आईपी देनी है, इसको नहीं देनी है, उसके बाद आपने एक पब्लिक आईपी रिजर्व करनी है, रिजर्व करने के बाद एक क्लाउड राउटर बनाना है, क्लाउड राउटर बनाने के बाद लास्ट में नेट गेटवे बनाना है, नेट गेटवे को कनेक्ट करना है क्लाउड राउटर के साथ और उसको पब्लिक आईपी एलोकेट करनी है। जब ये सारा काम हो जाएगा तो अब फाइनली नेट गेटवे वर्किंग होगा इस वीपीसी के अंदर और आपकी जितनी प्राइवेट वीएम है वो कम्युनिकेट कर सकती है इसके थ्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको समझाना था। अब इसके बाद आपको इसकी प्राइसिंग भी बता देता हूं। अब मैं अगर क्लाउड नेट गेटवे प्राइसिंग की बात करूं तो इसकी प्राइसिंग बुनियादी तौर पे दो चीजों पे डिपेंड करती है, कितने वीएम इंस्टेंसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्लाउड नेट गेटवे के साथ, जो कि क्लाउड नेट गेटवे का इस्तेमाल कर रही है इंटरनेट पे जाने के लिए, और कितना जीबी डेटा उसके थ्रू बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इन दो चीजों के बेस पे क्लाउड नेट गेटवे की प्राइसिंग होती है। एक बात और कि अगर 32 इंस्टेंसेस से कम है तो प्राइस अलग होती है, और अगर उससे ज्यादा है तो फिर काफी ज्यादा चार्ज आपको नेट गेटवे का देना पड़ता है। तो यहां पर मैंने वही चीज लिखी है, क्लाउड नेट गेटवे की प्राइसिंग दो तरीके से होती है। पहला, घंटे के हिसाब से चार्जेस बनते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वीएम, जितनी भी वीएम इस्तेमाल हो रही हैं उस नेट गेटवे को जो इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो घंटे के हिसाब से चार्जेस आपके लगेंगे। दूसरा, कितना ट्रैफिक इनग्रेस, इनग्रेस का मतलब अंदर आने वाला इनबाउंड ट्रैफिक, गूगल में इसको इनग्रेस कहते हैं, वैसे इनबाउंड ट्रैफिक होता है, इग्रेस का मतलब होता है आउटबाउंड, तो ये कुछ अंग्रेजी अल्फाज हैं जो आपने याद रखने। तो इनग्रेस और आउटबाउंड, सॉरी इनग्रेस और ईग्रेस, अंदर आने वाला ट्रैफिक, बाहर जाने वाला ट्रैफिक, जितना भी जीबी ट्रैफिक आपका अंदर या बाहर जा रहा है वो एक सेम प्राइस से कैलकुलेट होता है, और गेटवे से होकर जितना भी ट्रैफिक जाएगा, आने वाला हो चाहे जाने वाला, सारा कैलकुलेट हो जाएगा और उसका प्राइस आपको देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि ये एक्चुअली एक्चुअल डेटा है, तो प्राइसिंग है कि अगर 32 वीएम तक आपकी आप इस्तेमाल कर रहे हैं नेट गेटवे के साथ, तो
प्राइस लगेगा 0.014 पर आवर का, तो आपने नंबर ऑफ वीएम जितनी भी है उनसे मल्टीप्लाई करना और जितने घंटे इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जांपल 720 किया है, तो आपकी जो प्राइसिंग बनेगी वो बनेगी 0.014 मल्टीप्लाई बाय आपने 10 वीएम करे और घंटे जो है वो आपके सपोज करें 700 हैं, तो ये जो इसकी प्राइस आएगी आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो प्राइस आपको देनी पड़ेगी, उस हिसाब से मंथली प्राइस आपको देनी पड़ेगी। ये 700 आवर्स है, ठीक है, तो ये मैंने इस्तेमाल किए हैं टोटल। और अब कितना ट्रैफिक आ रहा है वो कैलकुलेट कैसे होगा, 0.045 डॉलर पर जीबी। तो अगर आपका 100 जीबी ट्रैफिक आया तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 4.5 डॉलर। तो 100 जीबी का आपको 4.5 डॉलर देना पड़ेगा, है ना, आप मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से, तो ये 4.5 डॉलर हो जाएगा। तो ये एक आपको प्राइस मिल गया, इन दोनों प्राइस को कैलकुलेट कर दो, आपका प्राइस आ जाएगा कि नेट गेटवे का कितना बिल महीने के एंड में बनेगा। लेकिन अगर 32 वीएम से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो नेट गेटवे के बैक एंड में, आप ज्यादा वीएम है 32 से, तो प्राइस एकदम से बढ़ जाएगा। यहाँ पे 0.014 था, ये उसका 3 गुना आप लगभग समझ के चलो, 0.44 डॉलर पर वीएम ये प्राइस है, मतलब पर आवर का ये प्राइस है। वहां पे फिर मल्टीप्लाई बाई वीएम हो जाएगा, यानी अगर 10 VM है तो ये मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और जितने घंटे इस्तेमाल हो रही हैं वो घंटों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर वैल्यू जो है ये 44 हो जाएगी, 0.44, और उसके बाद प्राइस आएगा जो कि बहुत बढ़ के आएगा। लेकिन ये प्राइस सेम रहने वाला है, ये यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनग्रेस और आउटग्रेस का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, प्राइसिंग जनरली लोग डिस्कस नहीं करते, बड़े से बड़े ट्यूटोरियल्स में जितने भी पेड हैं उनमें नहीं बताई जाती, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेट गेटवे की प्राइसिंग, क्योंकि ये फ्री सर्विस नहीं है, पैसे लगते हैं इस काम के और अच्छे खासे पैसे लगते हैं। तो इसके अल्टरनेटिव्स भी हैं, उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। बट आई होप कि कॉन्सेप्ट और आपकी बुनियाद बहुत मजबूत हो गई होगी, जितने भी नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं वो भी समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्लाउड में सारा काम कैसे होता है, बहुत स्मूथली आप समझ पा रहे हो। धीरे धीरे आपकी बुनियाद जो है मैं मजबूत कर दूंगा और इतनी मजबूत कर दूंगा कि दुनिया में कहीं भी आप इंटरव्यू दीजिएगा गूगल का, मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाएगा। तो विश्वास रखें मुझ पर, मैं कुछ भी ऐसा स्किप नहीं करूंगा जिसको पढ़ने के लिए आपको कहीं और जाना पड़े। आप सिर्फ इन्हीं लेक्चर्स को मल्टीपल टाइम देखिए, 2 से 3 बार देखिए, और अगर किसी लैब में कोई एरर आता है, कोई इशू आता है, तो वीडियो के ही कमेंट्स चेक किया करो, वहां पर कई बार लोग उसका सॉल्यूशन डालते हैं। मेरे डेवऑप्स वीडियो में भी जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है कि चीजें चेंज हो गई हैं, ये हो गई हैं, उसका कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन अवेलेबल है। मेरे फेसबुक ग्रुप पर भी आप पोस्ट कर सकते हो, लेकिन वहां एक कंडीशन है उस ग्रुप को ज्वाइन करने की कि आपका अकाउंट जो है वो पुराना होना चाहिए, 2022-2021 के अकाउंट अलाउड नहीं है, क्योंकि वो फेक अकाउंट होते हैं जनरली। तो आजकल फेसबुक पुराना हो चुका है, तो लगभग सबके 5-6 साल पुराने अकाउंट होते हैं, तो आपको अपना ओरिजिनल अकाउंट यूज करना है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपके उसमें लगी होनी चाहिए फेसबुक के ऊपर, और तब ही आप उसे जो है ज्वाइन कर पाओगे उस ग्रुप को। तो ये कुछ कंडीशंस वहां पे हमने लगाई हैं ताकि हम उस ग्रुप को बचा सकें स्पैमर्स से, नहीं तो लोगों का बस चले तो वहां पे सब कुछ वो पोस्ट करने को तैयार रहते हैं। तो इन चीजों से बचाने के लिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराने के लिए हमने कुछ चीजें बना रखी हैं जहां आप अपने डिस्कस कर सकते हैं हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ, बल्कि औरों की प्रॉब्लम्स को भी आपको सॉल्व करना चाहिए। अगर आप उस ग्रुप में एडिड हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि यार ये जो प्रॉब्लम इसने भेजी है ये इंटरव्यू में आ सकती है, इसके इंटरव्यू में आई है मेरे भी आ सकती है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, औरों के कमेंट पढ़ो कि लोगों ने क्या सॉल्यूशन दिया है, ताकि आपका एक सवाल जो है वो क्लियर हो जाए। तो उस ग्रुप का फायदा उठाएं, कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि टेक्निकल गुफ्तगू आगे भी आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लेकर आता रहे। तो चलिए अब ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए चलते हैं सीधा लैब पर और इसको करके देखते हैं। ओके जी, तो आ गए अपनी लैब के ऊपर और ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि भाई क्लाउडनेट क्या होता है, तो चलें अब जरा हम इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने कंसोल में किसी भी प्रोजेक्ट में आना है, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फिलहाल टेक्निकल गुफ्तगू नाम के प्रोजेक्ट में हूँ और मेरे प्रोजेक्ट आईडी ये है। अब आपने यहाँ हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपने एक वीपीसी क्रिएट करना है, यहाँ पे वीपीसी नेटवर्क पे आप क्लिक करें, यहाँ पे क्रिएट वीपीसी का आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे पास कोई और वीपीसी नहीं है, बस एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी बना हुआ है, तो मैं एक वीपीसी क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे कस्टम वीपीसी मुझे बनाना है। तो यहाँ पे इसको नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ सपोज करें माई वीपीसी, मैं यही नाम दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ देने की जरूरत नहीं है, और ये डिसेबल है, इसको डिसेबल रहने दें आईपी वर्जन 6 को। सबनेट के केस में आपको यहाँ कस्टम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप दो सबनेट बना लें, दो सबनेट बनाएं आप, एक पब्लिक के नाम से एक प्राइवेट के नाम से, पब्लिक सबनेट,
और रीजन आप इसका ले लें एशिया ईस्ट 1, रेंज आप ले लें 10.0.1.0/24, ये रेंज आप ले सकते हैं। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने दीजिए। IPv4 फायरवॉल रूल के अंदर आपने तीन चीजें अलाउ करनी है, एक तो आप ICMP अलाउ कर दें, एक आप RDP अलाउ कर दें, और बाकी का ये जो ऊपर वाला है ये भी आप अलाउ कर दें कि भैया आप जो है बाकी के सारे प्रोटोकॉल भी अलाउ कर दो। तो हमने यहाँ पर इसको भी अलाउ कर दिया, तीन चीज़ें हम यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। और इस डायनामिक राउटिंग मोड को रीजनली रहने दें और क्रिएट पे क्लिक कर दें आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा VPC क्रिएट हो रहा है, एक बार ये क्रिएट हो जाए तब मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली क्रिएटेड नेटवर्क माई VPC, तो मेरा VPC क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर मेरे पास मैंने सिर्फ एक ही सबनेट बनाया, पब्लिक सबनेट, मुझे दो बनाने थे बेसिकली, तो मैं एक सबनेट और बना लेता हूँ। इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे एक सबनेट और ऐड कर देता हूँ। ऐड सबनेट पे क्लिक करें आप, यहाँ पर नाम दे दें आप प्राइवेट सबनेट। तो मुझे दो सबनेट बेसिकली बनाने थे। रीजन मैं ले लेता हूँ एशिया ईस्ट 1 में, मैंने उसको बनाया है। और चलें फिलहाल मैं दोनों सेम ही रीजन में बना लेता हूँ, एशिया ईस्ट 1 के अंदर ही बना लेते हैं दोनों सबनेट। यहाँ पे IPV जो रेंज है आपने वो लेनी है 10.0. आप ले लें यहाँ पे 2.0/24, ये आप ले लें और यहाँ पे आप ऐड कर दें। तो आप देख सकते हैं मेरा प्राइवेट सबनेट भी बन गया है। अब मैं वापस चलता हूँ। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस सबनेट के अंदर जो मैंने दो सबनेट बनाए हैं पब्लिक और प्राइवेट, दोनों के अंदर एक एक VM बनानी है। तो मैं अब यहाँ पर कंप्यूट इंजन में आता हूँ, VM इंस्टेंसेस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्रिएट इंस्टेंस पर मुझे क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसको नाम दे सकते हैं पब्लिक VM, ताकि मैं इसको पब्लिक VM बना दूं, इसको पब्लिक IP में दे दूंगा। और यहाँ पर मेरे को वही रीजन लेना है जहाँ मैंने अपना VPC और सबनेट बनाया है। तो ये मेरा एशिया ईस्ट 1 है, मेरे सबनेट इसी के अंदर बने हैं, तो मैंने ये ले लिया है। यहाँ पर आप सीरीज N1 ले लें, और आपने जो मशीन लेनी है इस बार वो विंडो आप ले लें यहाँ पर। और विंडो के अंदर आपने यहाँ पर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस वाली मशीन सेलेक्ट करनी है, ताकि आप उसका डेस्कटॉप एक्सपीरियंस कर सकें। यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करना है आपने, फिर आप नीचे एडवांस ऑप्शन में आ जाइए, यहाँ पर नेटवर्किंग पे क्लिक करिए और यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस नाम का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अपने VPC को चेंज कर दीजिए, डिफ़ॉल्ट की जगह माई VPC सेलेक्ट करिए और सब नेटवर्क में पब्लिक सेलेक्ट करिए। तो अभी मैं ये VM पब्लिक में बना रहा हूँ, दूसरी VM मैं प्राइवेट में बनाऊंगा। याद रखें पब्लिक सबनेट के अंदर जो मैं VM बना रहा हूँ उसमें एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस मुझे देना है, पर जो मैं प्राइवेट बनाऊंगा उसमें मैं नन कर दूंगा, यानी मैं उसको कोई पब्लिक IP नहीं देना चाहता। तो फिलहाल ये पब्लिक है तो इसको मैंने दे दिया है पब्लिक IP, और इसको क्रिएट कर देते हैं। अब जब तक ये बन रही है तब तक हम एक प्राइवेट VM बना लेते हैं। यहां पे आपको इसका नाम देना है प्राइवेट VM, रीजन आपने एशिया ईस्ट 1 ही लेना है क्योंकि आपने वहीं पर दो सबनेट बनाए हैं। सीरीज में आप इसको N1 कर दें या E2 ही आप ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पे चेंज करें, यहां पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर लेना है, यहां पे आपको इसका डेस्कटॉप एक्सपीरियंस वाला सर्वर 2012 आप ले लीजिए टेस्टिंग के लिए। और नीचे आप आ जाएं एडवांस ऑप्शन में, नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग के अंदर फिर आपने डिफ़ॉल्ट इसमें जाना है नेटवर्क इंटरफेसेस में, और डिफ़ॉल्ट की जगह आपको अपना VPC सेलेक्ट करना है माई VPC, और सब नेटवर्क में आपको लेना है प्राइवेट, क्योंकि हम यहाँ पर प्राइवेट सबनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल IP हम इसको नहीं देंगे, हम कहेंगे भाई हमें हमारी इस VM को आप पब्लिक IP मत दीजिए। तो यहाँ पर आपने एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस को नन कर देना है, उसके बाद आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करिए। मेरी दोनों VM रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं पब्लिक VM और प्राइवेट VM रेडी है। पब्लिक VM के केस में उसको पब्लिक IP मिली है, लेकिन प्राइवेट VM के केस में उसको एक्सटर्नल IP यहाँ पर नहीं मिली है। अब मुझे करना यह है कि सबसे पहले मैं अपनी पब्लिक VM यानी कि जो नीचे वाली VM है इसका RDP लूंगा। RDP लेने के लिए आपको पहले एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेट विंडोज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर यूजर नेम आपका AWS3 मई है, आप इसको कॉपी कर लें, आप इसको चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, पर फिलहाल मेरे पास जो है मैं वही रख रहा हूँ। और यहाँ पे सेट के ऊपर क्लिक करते ही पासवर्ड आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ये मेरा इसका पासवर्ड आ गया। मैं इसे कॉपी कर रहा हूं और नोट पैड पर लिख लेता हूं, यहां पर मैंने लिख लिया। अब मैं अपनी दूसरी जोनी की मेरी जो प्राइवेट VM है मैं यहां पर ऐसे ही इसका भी पासवर्ड सेट करूंगा, सेट विंडोज पासवर्ड, इसका यूजर नेम भी यही है। अब मैं इस पर सेट पर क्लिक करता हूं,
तो आप देख सकते हैं ये मेरा प्राइवेट वीएम का पासवर्ड है, मैंने इसे कॉपी कर लिया है और कॉपी करके मैं इसे नोटपैड पे लिख भी लेता हूँ ताकि ये मेरे को अभी काम आएगा। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब मैं अपनी पब्लिक वीएम का आरडीपी लेता हूँ, यानी कि इस वाली वीएम का मुझे इस आरडीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, डाउनलोड दी आरडीपी फाइल, आप इस पर क्लिक करें, एक फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, आपने उसे ओपन करना है। यहाँ पर आपको कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपको अपना पब्लिक वाला पासवर्ड यानी कि ऊपर वाला जो पासवर्ड है इसको कॉपी करके आप यहाँ पे डाल दीजिए, आपकी पब्लिक वीएम एक्सेस हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा, आप यस करिए, आपका पब्लिक सर्वर एक्सेस हो चुका है, मैं उसके अंदर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप यस पे क्लिक करें, यस पे क्लिक करने के बाद अब मुझे जो है मेरा ये जो सर्वर है इस पे आप देखें, यहाँ पे मेरे को अब इस सर्वर के अंदर से दूसरी मशीन का आरडीपी लेना है, तो मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ करता हूँ और इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। अब मैंने जो यहाँ पर अपने प्राइवेट के मैंने लिखे हैं, ये मेरा प्राइवेट का पासवर्ड है, यूज़र नेम सेम ही है, तो मैं अब क्या करूँगा, इस मशीन के अंदर आता हूँ, ये जो मेरी पब्लिक वीएम है इसके अंदर से मुझे आरडीपी लेना है, तो मैं इसके अंदर यहां पे जाऊंगा और यहां पे सर्च में क्लिक करूंगा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, मुझे इस पर क्लिक करना है। यहां पे शो ऑप्शंस का आपको आएगा, आप इस पर क्लिक करें, तो कंप्यूटर नेम में आपने अपना जो है प्राइवेट आईपी डालना है, आपका जो प्राइवेट मशीन का है, तो मेरी प्राइवेट वीएम की आईपी है 10.0.2.2, ये मुझे डालनी है, तो मैं यहां पर डाल देता हूं 10.0.2.2। और यूजर नेम मेरा क्या है, AWS3My, ये आपको याद है, अभी जस्ट मैंने कॉपी भी करके रखा हुआ है। यहां पे आप जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, अब आपने पासवर्ड यहां पे डालना है, तो पासवर्ड आपके प्राइवेट आईपी का क्या है, ये वाला है ऊपर वाला, इसको आप कॉपी करें और यहां पे आप एंटर कर दें, ओके करें। ये देखें द लोगो ऑन अटेम्प्ट फेल्ड, मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से पासवर्ड यही था, बट लेट मी चेक, नीचे वाला चेक करते, शायद मैं कुछ कंफ्यूज हो गया हूं। कनेक्ट पासवर्ड नीचे वाला डालते, ओ यस, तो मैं गलत पासवर्ड डाल रहा था दोस्तों, तो अभी ये कनेक्ट हो गया है, यस करें। तो अभी मैं अपनी प्राइवेट मशीन के अंदर आ गया हूं जिसके पास पब्लिक आईपी नहीं है, आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वही मशीन है जिसका पब्लिक आईपी नहीं है, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, तो बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे जाके इस मशीन के अंदर और कमांड प्रॉम्प्ट इसका ओपन कर लें, CMD कर लें और वहाँ पे आईपी कन्फिग टाइप कर लें, आपको इसकी प्राइवेट आईपी नज़र आ जाएगी जो भी होगी, आईपी कन्फिग ये इस आपने चलाना है, एंटर आप करें और आप देख सकते हैं इसकी आईपी क्या आ रही है, 10.0.2.1 और सॉरी 10.0.2.2, आप चेक कर सकते हैं, दिस इज़ द आईपी, नज़र आ रही है आईपी 10.0.2.2, ये किसकी आईपी है, ये इस वाले की आईपी है, देखो आप 10.0.2.2, तो यानी कि मैं इस समय प्राइवेट वीएम के अंदर हूँ। लेकिन क्या मैं इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर पिंग करता हूँ google.com, तो आप यहाँ पर डालें google.com, एंटर करें, देखें मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पर इसको एक्सेस कराना है इंटरनेट, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप हैं ज़रा ये देख लेते हैं। आपने सबसे पहले एक एक्सटर्नल आईपी बनानी है, तो आप अपने वीपीसी नेटवर्क में आ जाएं, यहाँ पे आईपी एड्रेस का ऑप्शन होता है, एक स्टैटिक आईपी पहले आप ले लें क्योंकि वो हमें देनी पड़ेगी हमारे नेट को, नेट गेटवे को, तो यहाँ पर एक आईपी हम बना लेते हैं, एक्सटर्नल आईपी या रिजर्व एक्सटर्नल स्टैटिक आईपी पे क्लिक करें आप इस ऑप्शन में, यहाँ पर आप इसको नाम दे दें नेट आईपी, ये आप इसको नाम दे सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने दें। लेकिन ये आईपी कहाँ पे देनी है, मैं कहता हूँ एशिया ईस्ट 1 के लिए मुझे चाहिए क्योंकि मैं नेट वहाँ पर बनाऊँगा, और अटैच कहाँ पर करनी है, मैं कहता हूँ अभी कहीं अटैच नहीं करनी, मैं बाद में इसे यूज़ करूँगा, तो रिजर्व कर दें आप यहाँ पर इस आईपी को। अब जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था, आईपी देने के बाद आपको क्लाउड राउटर पहले बनाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे इस हैमबर्गर मेन्यू में आएँ, यहाँ पर वीपीसी नेटवर्क के अंदर ही आपको ऑप्शन नज़र आएगा, सॉरी नॉट इन वीपीसी नेटवर्क, हाइब्रिड कनेक्टिविटी में आपको नज़र आएगा, आप नीचे आ जाएँ थोड़ा सा
और यहाँ पर आपको क्लाउड राउटर का ऑप्शन नज़र आएगा हाइब्रिड कनेक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्लाउड राउटर का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे क्रिएट राउटर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे इसको नाम दे दें नेट राउटर, आप ये नाम दे सकते हो। और नेटवर्क कौन सा लेना है, माई वीपीसी लेना है। रीजन कौन सा लेना है, एशिया ईस्ट 1 आपको लेना है, जहाँ आपने सबनेट बना रखे हैं। बाकी सारी चीज़ें आप ऐसे ही छोड़ दो और इस पर क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ जो ऑप्शन है ये यही रहने देना, एडवर्टाइज ऑल सबनेट विजिबल टू द क्लाउड राउटर, और क्रिएट पे क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं मेरा नेट राउटर क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्लाउड नेट बनाना है, तो इसके लिए मैं आऊँगा थोड़ा सा नीचे और नेटवर्क सर्विसेज मुझे यहाँ नज़र आएंगी। और नेटवर्क सर्विसेज में आपको नज़र आएगा, आप देख सकते हैं नेटवर्क सर्विसेज के अंदर आपको नज़र आएगा क्लाउड नेट, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट क्लाउड नेट का ऑप्शन आ रहा है, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इसको नाम दे दें नेट गेटवे। यहाँ पे आपने क्लाउड राउटर अपना सेलेक्ट करना है जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो आपने किस के अंदर बनाया है, किस वीपीसी के लिए वो बनाया है, पहले उसको सेलेक्ट करें, उस रीजन को सेलेक्ट करें। यहाँ पे अपने आप क्लाउड राउटर वो नज़र आ जाएगा जो उस रीजन में आपने बनाया होगा। तो देखें नेट राउटर मुझे नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब इसी राउटर के साथ मुझे जो है एक पब्लिक आईपी भी देनी है। तो यहाँ पर आप पब्लिक आईपी के केस में मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, ताकि आपने जो अपनी आईपी बनाई है वो आप सेलेक्ट करें। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको अपनी नेट आईपी नज़र आ जाएगी जो आपने अभी बनाई थी। तो यहाँ पर वो आईपी आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सारी चीज़ें आप ऐसे ही रहने दो। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं दोबारा से कमांड चलाता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी मुझे यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अब देखना आप जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा आपको एकदम से रिप्लाई नज़र आने लगेगा। आप देखें यहाँ पे अभी जैसे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, आप देखिएगा अभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा जैसे ही वहाँ पर वो क्रिएट होगा, नेट क्रिएट होगा। ये देखें नहीं आया, मैं दोबारा से करता हूँ, अभी आना शुरू हो जाएगा जैसे ही वहाँ पर वो क्रिएट होगा। देखो अभी रिप्लाई नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी जैसे ही वहां क्रिएट होगा यहां एकदम से रिप्लाई आ जाएगा। ये देखो आ गया रिप्लाई, परफेक्ट है, दो रिप्लाई आ गए। अब ये परफेक्ट रिप्लाई आएगा, देखो ये देखो ये देखो, इंटरनेट चलने लगा। अब आपका नेट के थ्रू सारा ट्रैफिक जा रहा है और ये देखो अब आपको परफेक्ट रिप्लाई आ रहा है। तो जैसे ही नेट गेटवे आपका बनेगा, क्लाउड नेट आपका काम करेगा, आपको नजर आएगा कि आप इंटरनेट पर जा सकते हैं। देख रहे हो आप यहां पर अगर टेस्टिंग करना चाहें, अगर इसमें अलाउ है तो एक्सप्लोरर में भी यहाँ पे भी ये चलना चाहिए। इसको ओके करते हैं और अभी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर सर्च करें गूगल, तो आप देख सकते हैं मेरा नेट चलने लगा। तो ये मेरा गूगल चल रहा है और यहाँ पर मुझे गूगल नज़र आ रहा है। और देखो एक मज़े की बात देखी आपने, मुझे कौन सा गूगल नज़र आ रहा है देखें ज़रा, मुझे गूगल TW नज़र आ रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ताइवान वाला मुझे गूगल नज़र आ रहा है। क्यों ताइवान वाला मुझे नज़र आ रहा है, ये मुझे ताइवान दिखा रहा है बेसिकली। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने एशिया ईस्ट 1 में ये मशीन बनाई है दोस्तों, जो कि ताइवान रीजन है। तो ताइवान रीजन है, इसीलिए गूगल भी जो चल रहा है वो वहीं की चीज़ें उठा रहा है। आप देख सकते हैं मैं अगर व्हाट इज़ माई आईपी लोकेशन डालूं तो ये ताइवान के आसपास की लोकेशन मेरी फाइंड आउट करके मुझे देगा। तो आप देख सकते हैं आपकी जो लोकेशन है ये दिखा रहा है कि आपकी वीपीएन के थ्रू हाइड हो रखी है। चले जी अच्छी बात है। तो आई होप क्लाउड नेट आपको चलाना आ गया होगा, क्लाउड नेट के थ्रू आप काम करना जान गए होंगे। अब सबसे आखिरी में काम है क्लीन अप का दोस्तों, याद रखिए इन सब चीज़ों की बिलिंग लगती है, इसीलिए डिलीट ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने नेट गेटवे को डिलीट करना है, उसके बाद मुझे जाना है मेरे आईपी में या फिर हाइब्रिड कनेक्टिविटी में, और क्लाउड राउटर को डिलीट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप क्लाउड राउटर में आएँ और ये जो राउटर आपने बनाया है इसको आप डिलीट करें। राउटर को डिलीट करने के बाद आपने वीपीसी में जाना है, अपने आईपी एड्रेस में आना है और यहाँ पे आपने जो आईपी ली है नेट आईपी इसको आपने रिलीज़ कर देना है, रिलीज स्टैटिक एड्रेस, ताकि आपका बिल ना बने। इसे रिलीज़ करने के बाद आप आएंगे कंप्यूट इंजन में और जो दो वीएम इंस्टेंसेस आपने बनाए हैं आप वन बाय वन उनको डिलीट करेंगे। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ,
उसके बाद मैं इस दूसरी वाली वीएम को डिलीट कर देता हूँ, और सबसे आखिर में इन दोनों को डिलीट करने के बाद मुझे मेरा वीपीसी नेटवर्क डिलीट करना है, तो मैं वीपीसी नेटवर्क में आऊँगा और सबसे आखिर में मैं इसको डिलीट करूँगा। तो आई होप आपको क्लीन अप करना आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और बात को किसी खूबसूरत शेर या गजल के साथ खत्म करते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की ये लैब बेहद अच्छी लगी होगी, क्लाउड नेट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी हो गया होगा और साथ ही साथ आप लैब करना भी सीख गए होंगे। तो इसी तरीके के दिलचस्प लेक्चर हम लेकर आते रहेंगे। जानता हूं मैं कि हमारा चैनल बहुत अंडररेटेड है, जिस हिसाब का कंटेंट हम दे रहे हैं उस हिसाब से सब्सक्राइबर्स हमारे पास नहीं है। शायद ये मेरी बदनसीबी हो सकती है, बट खैर कोई बात नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। और बात को अब किसी खूबसूरत गजल के साथ खत्म करते हैं, और बात को आज राजेश रेड्डी साहब के एक मशहूर जो गजल है उससे खत्म करना चाहूंगा। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता। मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। जहां मैं यूं तो होने को बहुत कुछ होता रहता है, मैं जैसा सोचता हूं कुछ भी वैसा क्यों नहीं होता। हमेशा तंज करते रहते हैं तबीयत पूछने वाले, तुम अच्छा क्यों नहीं करते, मैं अच्छा क्यों नहीं होता। जमाने भर के लोगों को किया है मुब्तला तूने, जो तेरा हो गया तू भी उसी का क्यों नहीं होता। तो ये राजेश रेड्डी साहब बहुत अच्छे मुकम्मल शायर हैं, और उन्हीं का एक शेर है कि यहां हर पल हर शख्स हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। तो आप अपना डर निकालिए, ख्याल रखिए अपना, और दुआओं में याद रखिए।